नमस्कार जी, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति दान धर्म और पुण्य का त्यौहार है, तो हम इस दिन काफ़ी उद्यापन अनुष्ठान नेकचार करते हैं, जिनमें से कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं और कुछ मैं आज बता रही हूँ इस वीडियो में। तो एक रामटक का भी उद्यापन होता है, रामटक का यानी राम जी के नाम का 1 रुपया। हम इसमें क्या करते हैं, 365 एक एक रुपए के सिक्के लेते हैं सक्रांत के दिन से, और 12 महीने में हम उन एक एक रुपए को हर एक एक लेडीज़ को कभी भी कहीं भी जब जाए ना तो सबको एक एक रुपया देंगे। ऐसे नहीं कि एक जनी को दो बार दे दिया, मतलब एक जिसको दे दिया उसको दोबारा नहीं देंगे, और 1 रुपया दे के उससे गले मिल के और राम राम बोलेंगे। और फिर जब सक्रांत आएगी तो मकर संक्रांति के दिन अपनी बुआ सास ननद या जेठूती सासू जी किसी को भी हम बुला के जोड़े को पहनाएंगे और गीत वीत गवाएंगे, कपड़े देंगे जोड़े को, आदमी और लेडीज़ को कपड़े देके फिर उन आस पड़ोस की महिलाओं को बुला के गीत गवाएंगे और उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। जो महिलाएं गीत गाने वाली है उनके पेड़ छू के आशीर्वाद लेंगे, और जिस जोड़े को हम दे रहे हैं कपड़े उनसे आशीर्वाद लेंगे, और 1 चांदी का रुपया बनाकर हम उनको देंगे। तो ये हो गया रामटके का उद्यापन श्री राम जी के नाम से। और एक उद्यापन होता है राम राखी का, इसमें हम ये जो राखी आती है कोड़ी वाली सांकड़ी राखियाँ, ये 365 राखी और बिंदी के पत्ते, जो पन्ने होते हैं बिंदी के छोटे वो वाले पन्ने लेके और उनके साथ में 1 रुपया राखी, तीन चीज़ हो गई। तो इन चीज़ों को हम कल्पेंगे सक्रांत से, सक्रांत के दिन कल्प के, और 365 बिंदी के पत्ते, एक एक रुपया और 365 ही राखी ये ले लेंगे। और जब हम साल भर में कहीं भी जाएंगे जहाँ लेडीजें इकट्ठी होगी वहाँ जाके लेडीजों को एक एक जनी को एक एक तीन आइटम दे देंगे, राखी 1 रुपया और बिंदी का पैकेट पत्ता 1 पीस दे के उनसे गले मिलेंगे। तो ये हो गई राम राखी। और फिर जब मकर संक्रांति आएगी तब जोड़े को कपड़े, पैंट शर्ट आदमी को और औरत को साड़ी लहंगा जो भी वो पहनती है वो देंगे, जोड़े को 5 उठावा पहनाएंगे, घर पे बुला के खाना खिलाएंगे उनको, और ये कपड़े दे के अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से गीत गवाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो ये हो गया राम राखी का उद्यापन। और हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो हम वैसे ही सक्रांत के दिन 14 महिलाओं को हमें श्रृंगार के सामान बांटने चाहिए, इससे बहुत दान धर्म हमारा बहुत मतलब पुण्य होता है। सक्रांत के दिन जितना भी हम करेंगे उसका 9 गुना ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है। तो श्रृंगार के सामान में हम ब्लाउज पीस, काजल, बिंदी, मेहंदी, मांग ये चीज़ें रख के और 10 5 रुपये फीस पे रख के 14 लेडीजों को हम कलप के उनके राखी रोली बांध के रोली का छींटा लगा के उनको देंगे और उनके पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और गीत गवाएंगे। ये भी हम कर सकते हैं। हमें सक्रांत के दिन कोई भी छोटा मोटा दान पुण्य हमें करना चाहिए, जितना भी हमसे हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें ज़रूर करना चाहिए। राम टक्का और राम राखी, इनका महत्व भी मैं आज आपको बताती हूँ। राम टक्का देने का मतलब है कि एक महिला साल में 365 रुपये लेगी और वो 365 महिलाओं को एक एक को देगी, उनसे गले मिलेगी तो उनकी आत्मीयता बढ़ेगी, वो 365 महिलाओं को जानेगी तो 365 महिलाओं को पता रहेगा कि ये मेरे राखी बांध के गई है, ये मेरे से उस दिन मिली थी, मेरे को ये पैसे 1 रुपया दे के गई थी, राम राम करी थी तो मैं इसको जानती हूँ। तो उसके कल को कोई भी परेशानी आएगी, घर में समस्या होगी तो वो ज़रूर आएगी और उसको जानने लग जाएगी, उसकी वो दोनों मन की बात करेगी, व्यवहार बढ़ेगा उनका और वो सुख दुख की भागी बन जाएगी आपस में। तो ऐसे 365 महिलाओं से जानकारी बढ़ना, व्यवहार बनाना कम नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। जो हम गांव में तो आज भी ऐसे रीति रिवाज ये सारे उद्यापन वगैरह करते हैं तो हमें पता है, जबकि शहर में आजकल ये चीज़ें कम होती जा रही है, तो शहर के बच्चों को पता नहीं रहेगा और आने वाली जनरेशन हमारी जो देखेगी वही तो सीखेगी। अगर हम ऐसे
रीति रिवाजों को, संस्कृति को हम भूलते जाएंगे, ऐसे रीति रिवाज उद्यापन नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। तो हमें ऐसे उद्यापन अनुष्ठान जितना भी हो सके, रीति रिवाज और संस्कृति के जितने छोटे मोटे कार्य हैं वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति के पार्ट हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें इनको चलन में रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी देखते रहें और जानें, और आने वाले समय में हमारी संस्कृति ऐसे ही फलती और फूलती रहे।